नहीं सर, थैंक्स करने गए थे दिल्ली से। कोई ऐसी राजनीतिक घटनाक्रम तो है नहीं, तो दिल्ली हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता रहते हैं, सब लोगों को हम थैंक्स करने जाते हैं। सर, विपक्ष जो है लगातार आरोप लगा रहे हैं, जो CPS बनाए गए हैं असंवैधानिक है, और इसको लेकर लगातार वो आरोप लगा रहे हैं। जो CPS का पद होता है संवैधानिक नहीं है, वो पद पोस्ट क्रिएट की गई है। कहने का मतलब है कि वो जो मिनिस्टर्स के साथ सलाह दे सकते हैं, फाइल पर साइन नहीं कर सकते। पोस्टें जो ये छः थी, ये भारतीय जनता पार्टी के समय ही क्रिएट की गई थी, उन्होंने भरी नहीं, हमने भर दी। तो अब उनको आरोप लगाने के अलावा और क्या काम रह गया? भाजपा कह रही है कि उसको लेकर कोर्ट में जा सकते नहीं, वो तो हर चीज़ को लेकर कोर्ट में जाने की बात करती है। 75 साल में जो संस्थान खुले, उन संस्थानों को कांग्रेस की पार्टी की सरकार रही चाहे BJP की सरकार रही, मजबूत किया। 4.5 साल तक जयराम सरकार ने भी मजबूत किया। 6 महीने में ऐसी दैवीय शक्ति जयराम ठाकुर जी में आए कि 900 संस्थान खोल दिए। 5,000 करोड़ रुपया उन संस्थानों को चलाने के लिए चाहिए था। बैट कम कर दिया ताकि राजनीतिक रोटियां सेकी जाए और चुनाव जीता जा सके। फिर भी जनता ने 900 संस्थान खोलने के बाद, बैट कम करने के बाद उनको नहीं जिताया, क्योंकि जनता ये जानती थी कि ये सरकार हमको ठग रही है। और जब जनता ये महसूस कर रही है कि जो सत्ता में बैठी सरकार उनको ठग रही है, उसका परिणाम ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई। ये इस सरकार को भी जनता कहती है ठग सरकार थी ये, जो पिछले 5 साल वाली। अब काम करने वाली सरकार आई है, नया और युवा मंत्रिमंडल बना है, नए चेहरे बने हैं, स्वच्छ छवि के लोग बने हैं। आने वाले समय में आप उसका परिणाम देखेंगे। ठाकुर साहब, पोर्टफोलियो संभाल